एक दफ़ा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को असेस करने से पहले ये हम जान लें कि इसकी टोटल बर्डन कितना, हमारी सोसाइटी में गुर्दों के मर्ज़ कितने हैं और किस स्पीड से बढ़ रहे हैं और सारी दुनिया में होने वाली रिसर्च इस बारे में क्या कहती। तो पाकिस्तान में जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले अमराज हैं उनमें से अब तकरीबन नंबर टू पे गुर्दे के मर्ज़ आ चुके हैं। वो WHO के जो से स्टैट्स आए थे 2013 में उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सातवें नंबर पे गुर्दों के अमराज के लिहाज से आ चुका था। और अगर इस लिहाज से देखा जाए कि कितनी स्पीड से ये मर्ज़ बढ़ रहे हैं तो शायद दुनिया में अब दूसरे नंबर पे आ चुके। ठीक है, अब उसकी एक बड़ी वजह जो उनसी है वो तो यही है कि हमारे यहाँ का, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया, मोटापा, ज़ियाबितस, इसके अलावा बहुत सारे दर्दों की दवाइयाँ, तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी दवाइयाँ जो ऐसे हुक्मा से मिलती हैं जो प्रॉपरली हिकमत नहीं जानते, जो प्रॉपर जानते हैं मैं उनसे तो यही उम्मीद रखता हूँ कि वो सारी की सारी दवाइयाँ अच्छी होती। और इसके अलावा कुछ जैसे कि कुछ मुस्तनद लोग हैं जो टोटके बताते हैं, जैसे कि फैसल भाई हैं, ऐसे कुछ लोग, वो तो ठीक हैं, लेकिन कुछ ऐसे टोटके भी बताए जाते हैं जो घरेलू ही जनरेट किए हो जाते हैं जिनके नतीजे इतने अच्छे नहीं होते। और आखिरी चीज़ जो आजकल के लिहाज से पर्टिनेंट है वो इससे ताल्लुक़ रखती है कि हमारे कॉस्मेटिक्स, हमारी एस्थेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हम अपने आप को गोरा करने के लिए खा रहे हैं या लगा रहे हैं ये भी गुर्दों पे असरअंदाज हो रही हैं। और इसमें बहुत सारी वो मशहूर क्रीमें जिनके एड्स भी हमारे TV चैनल्स पर चलते हैं और शायद शो के साथ भी चलते हैं, उनमें कुछ ऐसे मटीरियल पाए जाते हैं जिसे, जैसे कि मरकरी, अब उसको जिल पर लगाने से आपको गुर्दों के मसाइल हो जाते हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, यू नेम इट। और अब तो आपने सुना होगा कुछ कैप्सूल्स भी आ चुके हैं गोरा होने के लिए और उनके अंदर भी इसी तरह का मटेरियल भरा होता है जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन गोरने की करने की बात यह, मैंने सबसे पहले ये कहा कि बहुत सारी दर्दों की दवाइयाँ जो एलोपैथिक की हैं, यस, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो एलर्जिक कर जाती हैं वो एलोपैथिक की हैं, लेकिन देन अगेन इशू ये है कि उनके ऊपर साल हर साल से लाखों डॉलर लगा के रिसर्च हुई और डिफाइन हो चुका है, स्टैंप लग चुकी है कि ये दवाई ये कर सकती है, उसमें हमें कितना देना है, कब तक देना है, कब रोक देना है, डिफाइन हो गया, अब डिफाइन हो गया ना। अब उसके बाद कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो जैसे कुछ थे, आई विल बी रियली स्पेसिफिक इन इट, अगर कोई इसमें डिटेल जाना चाहता है, कि ताकत के लिए ली जाते हैं, बहुत सारे मकासद के लिए ली जाते हैं, उन पर कोई रिसर्च, उनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइलिंग, साइड इफ़ेक्ट हो गए तो उसे ट्रबल शूट कैसे करना है, इस बारे में ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है और ना कोई इसे ऑन करने को तैयार होता। जैसे हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें कुछ थे जो उनसे लोगों ने खाए और जिनके गुर्दे फेल हुए हमारे पास, जैसे जनरल हॉस्पिटल या इकरा में मेरे पास आ जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके वो जो उनसे कुछ थे या जो चीज़ हैं उनको PCI सर से एनालाइज करवाएँ, बिल्कुल, कि उनके बीच में कौन कौन से मेटल्स मौजूद थे जिससे ये वाली बीमारी हुई। पथरी का मामले को सिर्फ एक तरह से देखना जोन सा है ना, वो शदीद ज्यादती बन जाता। पथरी की जोन सी बेशुमार किस्में, उसमें से 5 पाकिस्तान में कॉमन है, जिसमें से यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, और फिर एक्सिस्टिंग यूरिक स्टोन भी होते हैं। अब इनका मतलब क्या, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इन सब की वजूहत डिफरेंट, इन सब के इलाज डिफरेंट, इनको निकालने के और इनके गजा के एहतियात डिफरेंट। अब इन सारी चीज़ों के बारे में एक चीज़ की एहतियात वो बता देना वो ज़्यादती। मिसाल के तौर पर यूरिन की pH का मैंने जिक्र किया, यूरिन की pH अगर एसिडिक है, 5.5 से नीचे है तो कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड स्टोन्स के चांस ज़्यादा, अगर इससे ऊपर है तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम मोनी फॉस्फेट और दीगर स्टोन्स कुछ सब के परहेज अलग, तो हम यहाँ बैठ के नहीं किसी को इलाज ये मुमकिन नहीं है। और उसमें बेशुमार चीज़ें जो उनसी हैं ना वो एहतियात की होती हैं, जिस तरह एक तरफ जैसे सैलरी का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, दूसरी तरफ सैलरी ही कैल्शियम ऑक्सलेट की एक किस्म है जिसमें मना है। अब उस मरीज को जब वो तक वो सामने बैठा ना हो वो उसका कंप्लीट इलाज बताना मुमकिन नहीं। और दूसरी चीज़, पथरी का निकलना हर किस्म के तरीका इलाज में वो इतना मुश्किल नहीं रहा। एलोपैथिक में हमारे ही मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में ऐसे पेशेंट हैं जिनका बगैर ऑपरेशन और शुआओं से, सिर्फ दवाइयों से पथरी निकल भी जाती है और आइंदा बनने से रुक भी जाती है। उनको साथ साथ उनकी तशखीस मुकम्मल करके, ये मैं फिर कहूँगा कि उनके स्टोन की वजह जान के हम जब उसकी एहतियात और इलाज करते हैं तो उसका अफाका बड़ा ज़बरदस्त होता है। डायलिसिस पे जाने के बाद वापस आना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे मरीजों के लिए एक ही बात कहें। मेरे अपने मरीजों में मेरा ख्याल सैकड़ों, शायद बल्कि अब तो शायद सैकड़ों से ज़्यादा, हज़ारों की तरफ चले गए हों, 1000 के करीब हो गए हों,
जो मरीज पिछले 10 साल के अंदर जिन्होंने कभी ना कभी डायलिसिस करवाया क्योंकि उस वक्त जरूरत थी और बाद में गुर्दे या आरजी या मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुके हैं, तो ये जो सी मिथ है ये बात मशहूर हो चुकी है कि डायलिसिस में ना करवाएं, डायलिसिस करवाया तो फंस जाएंगे, इस मिथ को ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि इस डर और खौफ की बिना पे बाज़कत जान खतरे में होती है और मरीज़ के अटेंडेंट और मरीज़ डायलिसिस पे दिल आमादा नहीं होता। हम अपनी आबादी के लिहाज से परसेंटेज के लिहाज से देखें तो हम बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ में, उसकी वजह यही सवाल कि आम फहमी नहीं, लोग नहीं जानते कि असल में वो बेसिक अलामत क्या हैं जिनकी बेसिस पे आप डायग्नोस करेंगे कि इस बंदे को शुगर। मिसाल के तौर पे प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, यूरिन का ज़्यादा आना, थकावट का रहना, नकाहत की फीलिंग आना, जनरलाइज सी फीलिंग शुरू शुरू में होती हैं। वक्त के साथ साथ जब शुगर की अलामतें बढ़ती जाती हैं तो इनकी शिद्दत और नौयत भी बदलती जाती है, और जब शुगर ख़ुद चलती जाती है तो कुछ और अलामतें ऐसी भी फर्दर प्रोग्राम में डिस्कस करने की ज़रूरत है जिन पे वो शुगर के मरीज़ ये जान सके कि अब हमारी शुगर जिस्म के किसी न किसी उज्व को ख़राबी की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि जिस तरह शुरू में डायग्नोस करने वाली अलामात को ज़िक्र करने की ज़रूरत है, उसी तरह उन अलामात को भी ज़िक्र करने की ज़रूरत है जिससे एक शुगर का मरीज़ जान सके कि क्या मेरी आँखें, पाँव, गुर्दे या कोई और जिस्म का उज्व ख़राब तो नहीं हो रहा। क्योंकि मौलिज बेहतर समझता है कि ये अलामतें क्या वैसी ही हैं जैसी इंटरप्रेट की जा रही हैं या नहीं। उसके बाद ज़ाहिर है कुछ टेस्ट जो से रन करते हैं जिसमें शुगर का भी टेस्ट शामिल होता है, यूरिन का भी किया जाता है, ब्लड के भी किए जाते हैं, लेकिन वंस की शुगर डायग्नोज हो गई हमें थोड़ा सा इससे आगे चलना है। क्योंकि मॉलेज के पास जाएंगे इस अलामतों के साथ, तो किसी भी जनरल फिजिशियन के पास भी जाएंगे तो वो डायग्नोज कर लेंगे, फिर उसके बाद इलाज शुरू हो जाता है। उसके बाद पेशेंट की एजुकेशन की ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब आपने किन किन चीज़ों को गौर से देखना है। एक तो शुगर है कि आपने सुबह नाश्ते से पहले देखनी है, फिर दिन में 6 लेवल शुरू में देखने पड़ते हैं ताकि कंट्रोल है, अल्टीमेटली फिर बता दिया जाता है कि खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर हफ्ते में इतनी दफ़ा चेक करें सुबह इतनी। ये भी ज़्यादातर मरीज़ों को पता होता है कि चेक करनी है। जिन चीज़ों का नहीं पता होता वो ये है कि वो कौन सी अलार्मिंग चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब मेरा लेट सपोज असाबी निज़ाम कमज़ोर हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे पाँव में सुनपन का आना, सोइयों का चुभना, चलते चलते पाँव से जूती का निकल जाना, पाँव में कोई चीज़ का चुभना लेकिन बाद में देखने से पता चलना कि पाँव में कोई चीज़ लगी रहेगी, सेंसेशंस का लॉस हो जाना, इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि पेशेंट की असाबी कमज़ोरी हो चुकी है, शुगर इसके पीछे बैठी हुई, उसका मतलूबा इलाज फौरी तौर पर शुरू कर देना चाहिए। और उसकी एहतियातें भी बहुत सारी हैं, वो एक लंबी लिस्ट है जो अपने मौलवी से शेयर करें। फिर उसके बाद पेशाब में झाग का आना, ये इस चीज़ की गमाजी कर सकता है कि आपके जो से गुर्दे हैं वो शुगर से मुतासिर हो रहे हैं और ये आने वाले वक्त में ख़राबी का शिकार भी हो सकते हैं। और इससे भी पहले का एक टेस्ट जो अमूमी तौर पे कोई भी अच्छा फिजिशियन करवा लेता है वो माइक्रो एल्बुमिनूरिया का टेस्ट है, जो वक्त से पहले ही गुर्दे की खराबी को डायग्नोज करता है। और आँखों की खराबी के बारे में अमूमी तौर पर मरीज़ों की एजुकेशन ये होती है कि सफ़ेद मोतियाँ या लेंस की खराबी जो उनसी है वही आँखों का एक प्रॉब्लम है, लेकिन शुगर असल में आँखों के पर्दे को ज़्यादा मुतासर करता है।